आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदे सुनिम्बलयरा आयचे सुवयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मेरे खुदा, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे आराध्य, मेरे सर्वे सर्वा, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप सागर के समान गहरे हो, हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे आप मुक्ति की ओर प्रयाण करावे ऐसी कृपा करो, शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय भाग्य बड़ा या पुरुषार्थ। वास्तव में भाग्य और पुरुषार्थ एक सिक्के के दो पहलू हैं और कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे में बदलते हैं। जब कभी भी क्रिकेट का मैच खेला जाता है तो सिक्के को उछाला जाता है, चित्तपुट जैसी शर्त होती है, उसी के अनुसार। तो हम कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी सतह नहीं है जिसके की एक ही हिस्सा होता है, उसके दोनों पहलू होते हैं। सिक्का दोनों तरह का, दोनों तरफ उसके होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि केवल भाग्य ही हो और पुरुषार्थ हो ही नहीं। अगर आपने अर्जन किया ही नहीं है कोई चीज का, तो आप किस तरीके से जो है प्राप्ति कर सकते हो? आपने पुरुषार्थ किया ही नहीं है तो भाग्य कैसे बनेगा? आपने काम किया ही नहीं है तो आपको नौकरी कैसे मिलेगी या आपको जो है लाभ कैसे होगा? तो कुल मिलाकर के भाग्य और पुरुषार्थ हम कहना चाहते हैं दोनों एक ही है। आज का पुरुषार्थ आने वाले कल का भाग्य बनेगा, और आज जो हम भाग्य को खा रहे हैं, बुना रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, वो बीते कल पास्ट का जो है वो हमारा पुरुषार्थ है। तो ये भूत भविष्य वर्तमान जो है ये इसकी साइकिल चलती रहती है। आज हम उसका भुगतान कर रहे हैं और भूत और भविष्य के अंदर वो हम अर्जन करते जाएंगे वह पुरुषार्थ है। देखिए, पुरुषार्थ भी दो तरह का होता है, एक रिलेटिव पुरुषार्थ और एक रियल पुरुषार्थ। आज दुनिया में पुरुषार्थ का डंका बज रहा है। हर व्यक्ति ये कहता है मुझे दुनिया का नंबर वन व्यक्ति बनना है, मेरे को कंपटीशन में फर्स्ट आना है, मुझे जो है मंत्री बनना है, मुझे कुबेरपति बनना है, मुझे
अच्छा क्रिकेटर, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, ये व्यक्ति की एम्बिशंस है। एम्बिशन होना कोई बुरा नहीं है, परंतु आप एक लक्ष्य बनो। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, यानी आप किसी एक चीज के एक्सपर्ट नहीं बन करके और थोड़ी थोड़ी जानकारी हरेक की रखो तो उससे आपको लाभ नहीं होता है। मान लीजिए 100 फुट के ऊपर पानी है और एक व्यक्ति 10-10 फुट के 10 गड्ढे खोद करके नाप करता है कि मैंने तो 100 फुट खोद दिया, वह सही है, लेकिन वो कहता पानी नहीं आया। आपको एक ही स्थान पर 100 फुट खोदना पड़ेगा, तब पानी आएगा। इसका अर्थ यह हुआ आपको सम्यक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। देखिए कि हम आपको सिद्धांत देते हैं, हमारा रियल और रिलेटिव की पुरुषार्थ की जो है आपको हम पूरी थ्योरी बताते हैं, और ये बात हम आपको निश्चित कर देते हैं कि पुरुषार्थ का कन्वर्शन बाकी है और भाग्य जो है वही भोगने के बाद में पुरुषार्थ बनता है, तो ये चलता रहता है। तो रिलेटिव रियल पुरुषार्थ क्या है कि हम जो जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर जो भाग्य का खा रहे हैं, यानी कि जो मन वचन काया की बैटरियां डिस्चार्ज हो रही है और हमारे कहना चाहिए रिश्ते नाते पद परिवार संपत्ति धन दौलत जिनका सब चीजों का भोग कर रहे हैं, वह हमारा उदय काल है। और उदय काल जो है ये हमारे पिछले जन्म के पुरुषार्थ की वजह से उदय काल बना, और ये उदय काल है हमारा भाग्य है। अगर हमने पिछले जन्म के अंदर अर्जन किया यानी अच्छे भाव डाले तो हमारा इस जन्म में पुण्योदय होगा, और गए जन्म में हमने जो है बुरे काम किए, किसी को दुख दिया, कष्ट दिया, हिंसा की, किसी को दोषी समझा, किसी के प्रति बुरे भाव किए, इन सब बुराइयों की वजह से हमारा पापोदय हुआ और वो पापोदय का भुगतान हम इस जन्म में करते हैं। तो ये तो जो चल रहा है वो सारा ऑटोमेटिक तरीके से चल रहा है, ऑटो मोड से चल रहा है कि मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा है और इसके अंदर किसी को भी एक अतिरिक्त सांस देने की भी कोई स्वतंत्रता नहीं है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचनाएं, अवस्था का अर्थ ही है कि वो नाशवान है, जड़ है, आने वाली है, जाने वाली है, तो उसका तो जो है वो अधिक चिंतन करने की बात ही नहीं होती है। तो भाइयों बहनों, ये सारा अगर आप पुरुषार्थ कहते हो तो मान लेते हैं, पर ये रिलेटिव पुरुषार्थ है, क्योंकि पिछले जन्म का हम खा रहे हैं, ये हो रहा है, हम कर नहीं रहे हैं, ये हमारा सारा जो भुगतान है वह हो रहा है, हम कर नहीं रहे हैं, ये हो रहा है, इस कारण आप पुरुषार्थ भी मानते हो तो इसका रिलेटिव पुरुषार्थ है। और रिलेटिव पुरुषार्थ अज्ञान कहलाता है, अज्ञान बुरा नहीं है, रिलेटिव होने के कारण अज्ञान हो गया और रियल होने के कारण ज्ञान हो गया, ज्ञान से विज्ञान बनता है, हम आगे आपको बताएंगे। अब हम आते हैं, ये तो चल रहा है, ये तो हो रहा है, जो कोई भी घटना घटित हो रही है ये जा रही है, ये आ नहीं रही है, आयुष्य समाप्त हो रहा है तो हमारा आयुष्य घट रहा है,
हमारा सुख जो समाप्त हो रहा है तो वह सुख जा रहा है, दुख समाप्त हो रहा है तो वह दुख जा रहा है। ये तो जाने की प्रक्रिया है, ये आने की प्रक्रिया नहीं है, और ये धीरे धीरे जाती जाती ये शून्य हो जाएगी, यानी पूरा भोग लिया जाएगा, हिसाब पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये तो परिणाम है। परिणाम को पूरा भुगतान हो जाएगा जब ये तुम्हारा जीरो हो जाएगा। ये तो होने की बात हो गई। अब रियल पुरुषार्थ क्या है? देखिए, रियल पुरुषार्थ का संबंध है वो हमारे अविनाशी तत्व से मिला जुड़ा हुआ है, और रिलेटिव पुरुषार्थ का संबंध है वो विनाशी तत्व से जुड़ा हुआ, वो पर से जुड़ा हुआ है। और अविनाशी तत्व स्व होता है, स्व से जुड़ा हुआ हमारा रियल पुरुषार्थ है। रियल पुरुषार्थ का अर्थ होता है कि हमको जो है शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी। हमारा ये जो कार्यक्रम है वह सनातन सत्य है, और इसका आधार है कुदरत। कुदरत की रचना, कुदरत का कानून, कुदरत के ऊपर कोई नहीं है। कुदरत सुप्रीमो है, जो संपूर्ण जगत को हैंडल करती है। संपूर्ण जगत की जो है हैंडलिंग, यानी वह पूरे जगत की जो है क्रिएटर है, ऑपरेटर है और डिस्ट्रॉयर है, उसके ऊपर कोई नहीं है, और कुदरत ही करता है। कुदरत का एक विभाग है व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जो व्यक्तिगत जीवित प्राणियों पर लागू होती है। वह व्यवस्थित शक्ति उन प्राणियों का कर्मों का भुगतान करने के लिए संजोग जुटाती है। वो संजोग जुटाए जाते हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के आधार पर जुटाए जाते हैं, और इन्हीं के माध्यम से जो है सारा भुगतान समाप्त होता है। तो रियल पुरुषार्थ क्या हुआ? रियल पुरुषार्थ हमारी चेतना से जुड़ा हुआ है। चेतना पर हमारे जो कुदरत का कानून लागू नहीं होता है। कुदरत का कानून तो जड़ पे लागू होता है। चेतना खुद बादशाह है, चेतना खुद राजा है, चेतना खुदा है, चेतना भगवान है, चेतना ईश्वर है। तो ईश्वर पे दूसरे का कानून कैसे लागू हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, जो सभी ईश्वर के अधीन है। जे एगे जाने ते सबे जाने, जे सबे जाने ते एगे जाने। जिसने ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान आत्म तत्व को जान लिया, उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लिया। किसी व्यक्ति ने संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लिया और उसका प्रतिबिंब देखना चाहता है तो वो आत्मा में देख सकता है। कहा भी गया है जे जे पिंडे ते ब्रह्मांड, जे ब्रह्मांड ते पिंडे। इतना बड़ा ब्रह्मांड विशाल, उसकी हम कैसे प्रक्रिया करें, उसको हम कैसे जाने? तो हमारी कुदरत ने व्यवस्था करी कि तुम एक मनुष्य के पिंड को, एक मनुष्य के बाहरी और भीतरी खास तौर से रचना को जान लो तो तुम्हें पूरे ब्रह्मांड की रचना की जागृति हो जाएगी। यानी मानव तन इतना बहुमूल्य है, जो पारस मणि है, चिंतामणि रत्न है, जो काम धेनु है, जो वैतरणी नदी है, जो नंदन वन है, यानी इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कोई वस्तु है तो वह हमारी आत्मा है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान होती है। तो उसको जानिए। उसको जानने का नाम ही रियल पुरुषार्थ है। यानी कि जो हो रहा है ये तो रिलेटिव पुरुषार्थ है, और आप जो खुदा हो, जिसकी ताकत से मैं बोल रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ,
आंखें टिमटिमा रही है, वह ताकत जो है मेरे भीतर विराजमान प्रभु की ताकत है, उसकी ताकत से सब कुछ हो रहा है, तो उसको जानना, उसको मानना, उसका वार्तालाप करना, उसका जो है इंट्रोस्पेक्शन करना, उसका रियलाइज करना, उसको पहचानना, उसके करीब जाना, यानी मैं और मेरा भगवान। आप भीतरी दुनिया में चले जाइए, उस भीतरी दुनिया में आपका कितना ही क्लोज का व्यक्ति आपकी धर्म पत्नी भी क्यों नहीं हो, कोई परिंदा भीतर के जगत में पर नहीं मार सकता, आप और आपका प्रभु है। आप वार्तालाप कीजिए, वादा कीजिए, संकल्प कीजिए, एक दूसरे को शक्ति प्राप्त कीजिए और आगे बढ़िए, आगे बढ़ कर के लक्ष्य बनाइए कि मुक्ति को प्राप्त होना है, खुदा बनना है। खुदा बनने का अर्थ क्या हुआ कि शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, सिद्ध शिला में विराजमान होना है। शाश्वत सुख ऐसा होता है कि जिसके बाद कभी दुख आता ही नहीं है, वह शाश्वत सुख है। ऐसी स्थिति का निर्माण हमको करना है, तो ये सारा जो है रियल पुरुषार्थ है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि पुरुषार्थ से भाग्य बनता है और भाग्य से पुरुषार्थ होता है। कैसे होता है भाग्य से पुरुषार्थ? पिछले जन्म का भाग्य है वो आज मेरे उदय में आया, तो उदय में आने के बाद में वह पुरुषार्थ करवाता है। अगर मैं उसके अंदर नए भाव डालता हूँ तो वह नई कॉजल बॉडी बनती है, यानी उदय के ऊपर रिएक्शन करता हूँ। उदय पर रिएक्शन नहीं किया, उदय को जो तटस्थ भाव से देखा, मध्यस्थता भाव से देखा, समभाव से देखा, नो रिएक्शन, तो जब रिएक्शन ही नहीं किया, नो पॉजेस, तो नो पॉजेस होने से कैसा पुरुषार्थ हुआ जिसकी हमने अभी चर्चा की, रियल पुरुषार्थ हुआ। ऐसे हम करते जाएंगे, कब तक करेंगे, जबकि हमारे जन्म जन्मांतर का जो बर्फ की शिला की तरह जो हमारा कार्मण शरीर या दोष इकट्ठा हुआ हुआ है, डिस्चार्ज इकट्ठा हुआ हुआ है, वो संपूर्ण बर्फ गिलते गलते पिघल करके जीरो हो जाता है, तब हमारे खुदा बनने की स्थिति आ जाती है, तब हमारे रियल पुरुषार्थ की पराकाष्ठा आ जाती है। और वह होता है हमारा 100 डिग्री का अनुभव होता है, 360 डिग्री का अनुभव होता है, और उस अनुभव का नाम केवल दर्शन है। और केवल दर्शन जब हो जाता है, यानी निश्चित तौर से आप जो है वह शाश्वत सुख को प्राप्त करोगे, और शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए अगले जन्म के अंदर आप केवल ज्ञान को प्राप्त करोगे और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाओगे। तो भाइयों बहनों, जो हमारा विषय है कि पुरुषार्थ बड़ा या भाग्य, दोनों बड़े हैं, दोनों एक दूसरे से बनते, दोनों अवस्थाएं हैं। पुरुषार्थ भाग्य में बदलता है और भाग्य पुरुषार्थ में बदलता है। जैसे देखिए, मेरे पास में 2000 रुपये का नोट है और मैंने बैंक वालों को कहा कि मुझे 100-100 रुपये के कुल्ले दो, तो वो 100-100 रुपये के जो है वो 10 नोट देंगे मेरे को, 2000 रुपये तो 20 नोट देंगे। और मेरे पास में 20 नोट है 100-100 के, और मैं देखूं हैंडलिंग ठीक नहीं है तो बैंक वालों कहता हूं मुझे बंदे दे दो, तो 2000 का नोट पकड़ा देते। तो देखिए करेंसी कन्वर्ट हुई, 100 की 2000 में हुई, 2000 की 100 में हुई। ठीक इसी तरह से हमारा भाग्य पुरुषार्थ में कन्वर्ट होता है, पुरुषार्थ है वो भाग्य में कन्वर्ट होता है। तो अब देखिए कि जो हमारा सांसारिक पुरुषार्थ है कि मैं इंजीनियर बन गया, मैं लखपति बन गया, मैं करोड़पति बन गया,
तो ये बात तो आपका भुगतान है बनो गई, क्योंकि आपने भाव डाले थे, आपने पुरुषार्थ किया, तो आपका वैसा भाग्योदय भी होगा। लेकिन वह कोई विशेष बात नहीं है। विशेष बात यह है कि खुदा बनो, खुदा बनने की नींव लगाओ, यानी कि मुक्ति की नींव लग जानी चाहिए। मुक्ति की नींव लगने के लिए हमारे को कुछ पैरामीटर्स लेने पड़े। वो पैरामीटर्स क्या है? निमित्त निर्दोष अकर्ता शुद्ध आत्मा, ये चार फैक्टर है जो हमको खुद से खुदा बनाते हैं। यानी कि आपको जन्म जन्मांतर के लिए कर्ता भाव को त्यागना पड़ेगा, और आपको ज्ञानी पुरुष ने या आपके सद्गुरु ने ज्ञान दिया है, तो वह जो है वो हमेशा हमेशा के लिए कर्ता भाव छुड़ा भी दिया है। खैर, जो भी हो, हमारे को जीवन भर जो है निमित्त की साधना करनी है, जन्म जन्मांतर की करनी है। जब व्यक्ति निमित्त बनता है तो कोई तरह के कर्म बंधन नहीं होते हैं, क्योंकि कर्म बंधन करने वाला है वो कर्ता भाव है। तो आप निमित्त बन गए, यानी आपने निष्काम काम करना प्रारंभ कर दिया। निष्काम कर्म भी एक पुरुषार्थ है, क्योंकि वह तो काम तो हो ही रहा है, काम करने का नाम ही पुरुषार्थ है, तो वो तो काम जो है वो भी हो ही रहा है। तो इसीलिए क्या है कि वह काम जो है हमको मुक्ति की ओर ले जाने वाला है, इसीलिए वह रियल पुरुषार्थ है, वह सनातन पुरुषार्थ है, वह सनातन सत्य है। तो भाई और बहनों, हमें उन पैरामीटर्स की तरफ ध्यान बनना है, हमको प्रज्ञा के जगत में रहना पड़ेगा। देखिए, हमारा जो है, अगर भाग्य को आपको भोगना है पर के रूप में, तो आप अज्ञा के जगत में रहेंगे। पर का अर्थ हुआ कि जो आपका धन संपत्ति पद परिवार रिश्ते नाते, उन सब को भोगना, अज्ञा के संसार में रहना, वो तो जन्म जन्मांतर के अंदर वो चक्कर लगाते रहते हैं, वो भी पुरुषार्थ है, लेकिन वह जो है रिलेटिव पुरुषार्थ है। तो हमको मनुष्य जीवन मिला है, तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि वो रियल पुरुषार्थ का लक्ष्य बना सकता है, दूसरा नहीं बना सकता है। एक भैंस है, भैंस के अगर के मैं आगे जाकर कोई बीन बजाऊं, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो इसलिए ये जो भाग्य पुरुषार्थ की बातें हैं, ये खुद खुदा की बातें, ये स्व पर की बातें, ये इंसान से ही की जाती है, जिसका नाम सत्संग कहलाता है। और जब ये बात इंसान पकड़ लेता है कि मुझे स्व के जगत में रहना है, पर जगत मेरा साधन है, स्व है मेरा साध्य है, जब वो इस दिशा में पुरुषार्थ करने लगता है, तो वह रियल पुरुषार्थ है, और वह पुरुषार्थ हमको मुक्ति धाम की ओर ले जाने वाला होता है। क्योंकि ये सारी बातें मानव जीवन में होती है, मुक्त भी केवल मानव हो सकता है, तो दूसरे जन्म का तो प्रश्न ही नहीं है। हमको इसी जन्म में ऐसी नींव लगा देनी चाहिए, क्योंकि कल कभी आए या न आए कोई पता नहीं, अगली सांस आए या न आए कोई पता नहीं है। कोई व्यक्ति ये गारंटी नहीं ले सकता कि मैं तो पूरे 100 वर्ष जीऊंगा ही, क्योंकि वो तो आयुष्य के अधीन है, वो तो कर्मों के अधीन है। इसी क्षण भी आपका अंतिम सांस हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो इसीलिए हमें जितना भी हमारी जानकारी में है, उस जानकारी के अंदर हमको रियल पुरुषार्थ के पाले में रहना चाहिए, हमको चेतना के पाले में रहना चाहिए, हमको खुदा के पाले में रहना चाहिए, हमको स्व के पाले में रहना चाहिए,
पर का जो पाला है वह तो हमारा भाग्य है, उदय है और वह भुगतान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, स्वाद मिले और सभी हिल मिल करके हम वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना धरती पर करें। आपके प्रति नंदन ओम। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है, एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।